हमें बहुत खुशी है, हम पहले भी आशीष शर्मा जी के साथ थे और अब अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसमें और भी ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि हम पहले से ही बीजेपी के थे और अब आशीष शर्मा बीजेपी में आए हैं, इससे हम सबको बहुत खुशी है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है लगभग 1.25 साल से, तो जो भी कांग्रेस पार्टी ने लोगों से वायदे किए थे, 1500 रुपये देने के वायदे किए थे, 300 रुपये यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, 100 रुपया दूध लेने की बात कही थी, 2 रुपये किलो आटा गोबर लेने की बात कही थी, कांग्रेस ने आज एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रेडार, वी आर एट हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस इज द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। आशीष शर्मा वॉज एन इंडिपेंडेंट MLA फ्रॉम हमीरपुर, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड ही हैज जॉइंड बीजेपी नाउ, एंड इट इज नॉट क्लियर दैट वेदर बाई इलेक्शन विल टेक प्लेस हेयर और नॉट, बट अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ इलेक्शन विल पॉसिबली टेक प्लेस हेयर विद इन कमिंग डेज। आशीष शर्मा के स्वागत के लिए ये CM की होम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो उनके सपोर्टर्स खड़े हुए हैं और यहाँ देखना ये है कि जो धूमल साहब ने जो काम किया है यहाँ पे और बीजेपी का जो गढ़ माना जाता था हमीरपुर, उसमें क्या उनको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम पूछेंगे कि जो बदलाव राजनीति में हुआ है हिमाचल में, इसको ये किस तरह से देखते हैं और आगे वाले समीकरण क्या बनते हैं। सर आपका शुभ नाम और डेजिग्नेशन। मेरा नाम राकेश पठानिया है, मैं भाजपा में जिला सह मीडिया प्रभारी हूँ और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है लगभग 1.25 साल से, तो जो भी कांग्रेस पार्टी ने लोगों से वायदे किए थे, 1500 रुपये देने के वायदे किए थे, 300 रुपये यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, 100 रुपया दूध लेने की बात कही थी, 2 रुपये किलो आटा गोबर लेने की बात कही थी, कांग्रेस ने आज एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। अभी जब इलेक्शन के टाइम सिर पे आए हैं तो लोगों को झूठे वायदे, लुभावने वायदे जो है कांग्रेस दे रही है और 1500 रुपये के फार्म जो कांग्रेस पार्टी अभी भर रही है, अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर 1500 रुपया देना ही था तो लगभग एक साल पहले जब सरकार बनी थी उसी वक्त वो लोगों को ये फार्म भरती और उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हर हर महिला को हम 1500 रुपया देंगे। अब जिस हिसाब से हम सुन रहे हैं कि पार्टी कह रही है कि जिन लोगों के घर में कोई अप्लाई वगैरह है उन महिलाओं को कोई भी जो पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये तो कांग्रेस की बात है ना, लेकिन बीजेपी में जो ऐसे बदलाव आया यहाँ पे जो पुराने एस्टेब्लिश लीडर हैं, क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी पूरा? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आता है उसका पूरा स्वागत होता है, पूरा वेलकम होता है और पार्टी उसको दिल से लगाती है। आशीष शर्मा जी का ही नहीं, जो अन्य भी विधायक कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से तंग होके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है और करती रहेगी। सर आपको लगता है बीजेपी सपोर्ट करेगी? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल करेगी। पुराने लीडर्स की तरफ से कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई? नहीं नहीं, पुराने लीडर से कोई नहीं है, पहले भी बीजेपी के थे तो सभी पब्लिक खुश है। और ये जो आशीष शर्मा जी है, इनका परिवार जो है ये पहले बीजेपी से रिलेटेड थे, इनको टिकट ना मिलने की वजह से वो ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे, तो अब बीजेपी में है, उनका वेलकम है, बहुत अच्छा स्वागत है और अच्छे वोटों से जीते। तो महिलाओं को कहा जाता है कि ये महिला शक्ति है और राजनीति हो चाहे घर चलाने की बात हो, तो महिलाओं को जो है उनका वोट, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आइए इनसे पूछते हैं, जो सपोर्टर्स आशीष शर्मा के खड़े हैं यहाँ पे महिलाएं, उनको पूछते हैं कि इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं, आपको कैसा लगता है आशीष शर्मा बीजेपी में आ गए? बहुत खुशी है, हम पहले भी आशीष शर्मा जी के साथ थे और अब अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसमें और भी ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि हम पहले से ही बीजेपी के थे और अब आशीष शर्मा बीजेपी में आए हैं, इससे हम सबको बहुत खुशी है, इलाके में भी बहुत खुशी का माहौल है। पहले बीजेपी में हम सपोर्टर आशीष शर्मा के थे पहले भी और अभी भी आशीष शर्मा जी के ही सपोर्टर हैं। बीजेपी से आपका ताल्लुकात था? हमारा ताल्लुकात बीजेपी था और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आशीष शर्मा जी बीजेपी से आए हैं और इस आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी ज़्यादा खुशी है कि बीजेपी में आए हुए हैं। बीजेपी से सपोर्ट मिलेगा आशीष शर्मा को, बीजेपी के नेता करेंगे? हाँ जी, पूरा सपोर्ट है सर, पूरा सपोर्ट है बीजेपी का। कोई तंग तो नहीं करेगा? क्या तंग हो रहा है हमारे को, जो हमने माना है वो तो जरूर होना चाहिए बस। बीजेपी के जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे थे पहले वो उसको करेंगे आशीष शर्मा को सपोर्ट, उम्र भी छोटी है? नहीं जी पक्का वोट में, अगर यहाँ इलेक्शन होता है तो वो जीत जीतेंगे। मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।